करनाल की ब्राह्मण सभा की ओर से ब्राह्मण धर्मशाला कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सामने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर का चित्र धर्मशाला में स्थापित किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण सभा से जुड़े सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर ब्राह्मण सभा के प्रधान सुरेंद्र बड़ौता ने कहा कि गुरु तेग बहादुर हमेशा पराक्रमी रहे और हिंदू समाज की रक्षा करने में भी गुरु तेग बहादुर की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर के चित्र को सभी मंदिरों में स्थापित करने के लिए जो निर्णय लिए गए हैं वह बेहद सराहनीय है। इस अवसर पर एडवोकेट अनुराधा भार्गव ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दी और शहादत प्राप्त की, इसलिए सनातन धर्म पर कोई भी संकट आया तो हिंद की चादर तेग बहादुर हर संकट से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर गुरु तेग बहादुर नहीं होते तो ज्यादातर सनातन धर्म के लोग मुगलों के राज में मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गए होते। इसलिए गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी को याद करते हुए उनके चित्रों को मंदिरों में भी लगाने का संकल्प लिया गया है। इसी कड़ी में आज ब्राह्मण धर्मशाला से गुरु तेग बहादुर का स्वरूप लगाने की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण सभा से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष भी हूँ और पिछले 10 से 15 वर्षों से मैं उसमें समाज सेवा कर रही हूँ। चाहे वो किसी भी तरह की समाज सेवा हो, उसमें मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ और अपना मेरे जो 60 से 65 लोग हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सोसाइटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है और सोसाइटी की तरफ से काफी समाज सेवा भी की है। अब जैसा कि हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस बारे में बात करते हैं कि आज का जो खास विषय है वो क्या है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो आज हम सांस ले रहे हैं, जो खुली सांस जो आज हम इस वातावरण में ले रहे हैं, वो किसके कारण है। सब जो आज हम स्वतंत्र घूम रहे हैं, स्त्रियां स्वतंत्र हैं, उसका जो एक स्वरूप है वो किस लिए है, हमारे समाज के अंदर किस लिए है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण, श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण हमारा हिंदू समाज जिंदा है, हमारा अस्तित्व जिंदा है, हमारी महिलाएं आज स्वाभिमान से जी रही हैं, हमारे बच्चे खुली सांस ले रहे हैं इस वातावरण के अंदर। गुरु तेग बहादुर जी जो कि एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी शहीदी दी है हमारे हिंदू समाज को बचाने के लिए, और ब्राह्मणों ये कभी नहीं हमें भूलना चाहिए कि जो आज तिलक और जनेऊ आज हमारे अंदर है, तिलक जनेऊ की अगर रक्षा की हुई है तो गुरु तेग बहादुर जी ने की है। गुरु तेग बहादुर जी ना होते तो आज हम भी कहीं पुरका पहन के और अपने जनेऊ और तिलक उतार के मुसलमान धर्म में परिवर्तित हो चुके होते। गुरु तेग बहादुर जी आप देखिए कि कभी भी हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को जब भी कोई कष्ट आया है तो दिल दहल जाता है। थोड़ा सा भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम इमरजेंसी वार्ड में लेके भागते हैं, लेकिन उन गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहीदी हमारे लिए दी है वो हम उसके हमेशा ही ऋणी रहेंगे। और आज अगर बात की जाए तो आज गुरु तेग बहादुर जी का छोटा सा मैं वृतांत आपको सुनाना चाहूंगी कि जिस समय औरंगजेब 1665 में जब औरंगजेब बहुत ज्यादा अपने मुगल काल में बहुत सारे यातनाएं देकर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर रहा था हिंदुओं को, उस समय क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों की आंखों में मिर्ची डालकर उन पर पट्टी बांधकर उनको यातनाएं दी जाती थी, उनको कहा जाता था कि जबरन मुस्लिम बनो, धर्म जो है धर्म परिवर्तन करो। हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था, मुगल बलात्कार करते थे और हमारे हिंदू धर्म के जितने भी बच्चे थे उनको उठा लिया जाता था और उनको यातनाएं दी जाती थी, या तो धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हारी महिलाओं और बच्चों को मार देंगे। जबरन परिवार क्या करता था, मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर देता। बहादुर जी को इस कार्य के लिए मुबारकबाद देते हैं। भैया इसके चित्र सभी जगह सभी मंदिरों में लगाए। गुरु तेग बहादुर जी हमारे हिंदू समाज के रक्षक हैं। इन्होंने अपनी आहुति दे करके हिंदू समाज को बचाया। हम इनका हिंदू समाज तो इनका ऋणी रहेगा और साथ में एडवोकेट भार्गव जी का भी ऋणी रहेगा जिन्होंने हमारे को जागृत किया। आप इस कार्य में लगे रहें,
जिला करनाल ब्राह्मण सभा आपका तहे दिल से साथ देगी, जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी जिला करनाल ब्राह्मण सभा आपके साथ रहेगी। और मैं आप सबका पुनः फिर आभार व्यक्त करता हूं, आपने थोड़े से नोटिस पर यहां जिला करनाल ब्राह्मण सभा में पहुंच करके इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।